पुणे में शनिवार को जिला योजना एवं विकास समिति की बैठक हो रही थी। इस बैठक में जिला संरक्षक मंत्री होने के नाते अजीत पवार भी मौजूद थे। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अपने चाचा और एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार से साफ कहा कि उन्हें सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद शरद पवार अगले 2 घंटे तक खामोश रहे। बैठक में एनसीपी के दोनों गुटों के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अजीत पवार द्वारा डीपीडीसी में अपने चाचा के बोलने के अधिकार पर सवाल उठाने से उनकी बेटी और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले नाराज हो गईं। बैठक के कुछ देर बाद सुले ने कहा, डीपीडीसी बैठक से बहुत कुछ सीखने को मिला। शरद पवार जिला संरक्षक मंत्री अजीत पवार के आने से 5 मिनट पहले बैठक में पहुंचे। जब अजीत पवार आए तो प्रोटोकॉल के मुताबिक शरद अपनी कुर्सी से उठ गए। ये पुरानी दुनिया की राजनीति का एक वास्तविक उदाहरण था जिसके लिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। सुले ने आगे कहा कि जब शरद पवार ने सवाल पूछे तो अजीत पवार ने उन्हें नियम दिखाने का प्रयास किया। सुप्रिया सुले ने कहा, उन्होंने कहा कि सांसद केवल आमंत्रित सदस्य हैं और उन्हें सवाल नहीं पूछने चाहिए। उन्होंने संबंध में एक सरकारी प्रस्ताव का हवाला देने की कोशिश की। मैं 18 साल से सांसद हूं। सभी सांसदों और विधायकों ने हमेशा डीपीडीसी की बैठकों में सवाल उठाए हैं और इतने सालों बाद अचानक ये नियम पुस्तिका क्यों सामने आई है, वो भी शरद पवार पर नियम पुस्तिका फेंकना, जो 83 साल के हैं और जो न केवल महाराष्ट्र में बल्कि भारत में भी सबसे बड़े नेता हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि अजीत पवार इस बात पर जोर देते रहे कि सांसद विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। उन्होंने सरकारी राजपत्र अधिसूचना के एक प्रति दिखाते हुए कहा, नियम ये साफ करते हैं, आप कानून द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, कानून आपको भाग लेने का अधिकार भी देता है। वहीं सुप्रिया सुले ने कहा कि शनिवार को डीपीडीसी की बैठक में जो कुछ भी हुआ वो महाराष्ट्र की राजनीति की संस्कृति में पहली बार हुआ है और ये देखना बेहद दुखद है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।